हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉर्ड वेलेसली है। गाइस, लॉर्ड वेलेसली ऐसा गवर्नर जनरल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास बदल दिया था और इसे बंगाल का टाइगर यानी टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस गवर्नर जनरल को बंगाल का टाइगर कहा जाता था। आंसर इज लॉर्ड वेलेसली। इसके समय में दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं, पहला फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, इसी के समय में हुआ था गाइस। और ये दोनों के दोनों वॉर इस लॉर्ड वेलेसली ने जीते थे। और जीतने के साथ ही जहां एक तरफ मैसूर को घुटने टेकने पर इसने मजबूर कर दिया था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में इसने भोसले, सिंधिया और होलकर को भी पराजित किया था। गाइस, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण घटना है गाइस, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर बात करें, लॉर्ड वेलेसली ने अपने टाइम पीरियड में सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि की शुरुआत की थी, यानी सहायक संधि या सहायक गठबंधन की नीति का पालन करवाने वाला पहला गवर्नर जनरल यही लॉर्ड वेलेसली था। और इसी सहायक संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, मकेरी, भरतपुर, अवध, तंजौर, बरार, पेशवा, निजाम जैसे शासकों ने सहायक संधि स्वीकार किया था। इस सहायक संधि की बात करें या सब्सिडी अलायंस की बात करें तो इसमें फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडरटेकिंग था और एक ब्रिटिश रेजिडेंट इन देसी रियासतों के पास रखना होता था शासक में। इसके टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटना सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 इसी के समय पास किया गया था, यानी प्रेस एक्ट 1799 की सेंसरशिप भी इसी के कार्यकाल में पास किया गया था और न्यूज़पेपर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। गाइस, इसी के टाइम पीरियड में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी जिससे सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जा सके। अतः इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना सहायक संधि की शुरुआत नोट कर लीजिए, साथ साथ में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 इसी के समय पास हुआ था और साथ साथ में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। गाइस, इसके साथ साथ इसका टाइम पीरियड मद्रास प्रेसिडेंसी के गठन के लिए भी जाना जाता है, नोट कर लीजिए गाइस। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण कि लॉर्ड वेलेसली के साइन टाइम पीरियड में ही मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गठन किया गया था। गाइस, अगर इसके हम जन्म की बात करें तो इसका जन्म 20 जून 1760 को आयरलैंड में हुआ था गाइस, नोट कर लीजिए, जबकि 26 सितंबर 1842 को लंदन में इसकी मृत्यु हुई थी। गाइस, अगर प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत में एज ए गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं या कोई भी अदर्स एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें गाइस। थैंक यू एंड टेक केयर।